हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉलीनेशन सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पोलिनेशन बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो वॉट इज़ पोलिनेशन पोलिनेशन का मतलब क्या होता है तो पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिगमा इज कॉल्ड पोलिनेशन पोलिनेशन क्या होता है पोलन ग्रेन्स का जो है ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में इसको पोलिनेशन बोला जाता है पोलिनेशन जो होता है वो मेनली जो होता है देखो काइंड ऑफ पोलिनेशन पोलिनेशन जो होता है वो मेनली जो है थ्री टाइप्स का होता है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोलिनेशन ऑटोगैमी जिंटोगैमी एंड जीनोगैमी ओके तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोलिनेशन ऑटोगैमी जिंटोगैमी एंड जीनोगैमी सो so, ऑटोगेमी में क्या होता है कि ऑटोगेमी में जो है वो इस पोल ग्रेन्स जो है वो सेम ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ठीक है ऑटोगेमी में क्या होता है कि सेम फ्लावर में जो है पोलन ग्रेन्स का जो है वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है उसको हम लोग ऑटोगेमी बोलते हैं इसको सेल्फ पोलिनेशन भी बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल हो गया राइस व्हीट एक्सेट्रा ठीक है अब हम लोग देखेंगे कि सो ऑटोवैम में क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉल ग्रेन्स इज़ फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी मतलब क्या होता है इसमें पोलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में सेम फ्लावर में उसको ऑटोगेमी बो, बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल हो गया पी राई स्वीट एक्सेट्रा और इसको जो है सेल्फ पॉलिनेशन भी बोला जाता है ऑटोगी का दूसरा दूसरे किस नाम से जाना जाता है सेल्फ पॉलीनेशन ठीक है उसी तरीके से होता है जिनीटोगी जिनीटोगी में क्या होता है कि इसमें जो है जो पोलिन ग्रेन है उसका ट्रांसफ़र होता है एंथर से मतलब सेम फ्ला सेम प्लांट के एक फ्लावर का एंथर होता है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जो है ट्रांसफर होता है पॉलिन ग्रेन्स इसको जिनेटिकॉमी में, जिनेटिक में बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल हो गया कुकर बिटा ओके okay. अब जीनोगैमी या फिर एलो एलोगी में क्या होता है तो इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है एंथर से ट्रांसफर होता है दूसरे फ्लावर में दूसरे प्लांट में इसको क्या बोला जाता है जीनोगी इसका एग्जाम्पल हो गया पपाया या फिर मेज़ अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है सेल्फ पोलिनेशन जो होता है ऑटोगेमी में उसमें क्रॉस पोलिनेशन किस तरीके से तो क्रॉस क्रॉस पोलिनेशन किस तरीके से प्रिवेंट होता है ठीक है तो क्रॉस पोलिनेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाई एग्जीबिटिंग क्रॉस पोलिनेशन जो है वो कैसे वेंट होता है वो देखेंगे तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है इसमें क्या होता है दीज आर द बाइसेक्सुअल क्लोज्ड फ्लावर विच नेवर ओपन्स एट ऑल एंड एंथर्स डिहाइजेज इनसाइड दिस क्लोज फ्लावर इसमें क्या बोलता है कि जो, आ, ये जो क्लिस्टोकैमस फ्लावर्स जो होते हैं ये क्या होता है बाई सेक्सुअल होता है और ये जो है हमेशा बंद रहता है ये कभी भी ओपन नहीं होता है इसके वजह से क्या होता है कि एंथर्स जो है वो अंदर ही अंदर क्या होता है डिहाइज़ हो जाता है इनसाइड दिस क्लोज फ्लावर इसको क्या फॉर एग्जाम्पल हो गया कोमेलिना ठीक है उसी तरीके से होमोगेमी जो होता है इट इज द कंडीशन ऑफ मेच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट द सेम टाइम होमोगेमी में क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा जो है वो सेम टाइम में क्या होता है मेच्योर होता है फॉर एग्जाम्पल हो गया मेरा विनका ओके द क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा इज कॉल्ड मीराबिलिस और क्या बोलता है जो क्रॉज क्रोज एसोसिएशन होता है एंथर और स्टिग्मा के बीच में उसको क्या बोला जाता है मीराबिलिस ठीक है सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कैसमोग फ्लावर ओके जिसमें हम लोग देख सकते हैं ठीक है सेल्फ पोलिनेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एक्जिस्टिंग सेल्फ पॉलिने सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो सेल्फ पोलिनेशन जो है उसको हम लोग जो है वो ए सिक्स पॉइंट से जो है प्रिवेंट कर सकते हैं जैसे कि यूनिसेक्सुअलिटी डाइकोगेमी प्रोटेंड्री प्रोटोगाइनी सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एंड कैसमोगेमस फ्लावर ओके सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनिसेक्सुअलिटी क्या होता है तो यूनिसेक्सुअलिटी बोलने का मतलब है यूनिमींस वन ओके okay. तो मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स क्या बोलता है कि मेल या फिर फीमेल फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में इसको क्या बोला जाता है यूनिसक्सुअलिटी जिसमें या तो मेल प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल प्रेजेंट होगा, होगा, होगा फ्लावर में ठीक है तो नेक्स्ट डाइकोगेमी डाइकोगेमी क्या होता है तो कंडीशन इन विच द स्टेमिन एंड स्टिग्मा ऑफ अ बायोसेक्सुअल फ्लावर मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इसमें क्या बोल रहा है कि मतलब स्टेमिन और स्टिग्मा जो होता है बायोसेक्सुअल फ्लावर का वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में जो है वो मेच्योर होता है मतलब मेल और फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में जो है मेच्योर होता है उसको डाइकोगेमी बोला जाता है क्लियर प्रोटेंड्री प्रोटेंड्री क्या होता है तो दिस इज द कंडीशन वेयर एंथर मैच्योर अर्लीअर देन स्टीगमा एंड रिलीज पोलिन ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है कि एंथर जो है वो एंथर जो है वो मैच्योर हो रहा है स्टीग्मा से पहले ठीक है और वह क्या कर रहा है पोलिन रिलीज कर दे रहा है इसके वजह से भी क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है ठीक है तो अब नेक्स्ट प्रोटोगाइनी प्रोटोगाइनी में क्या होता है दिस इज द कंडीशन वे आर द स्टिग्मा मेच्योर्स अर्लियर देन एंथर ये एक ऐसा कंडीशन है इसमें क्या होता है स्टिग्मा जो है वो पहले मेच्योर हो जाता है एंथर से ठीक है प्रोटो प्रोटो uh, प्रोटेंड्री में क्या होता था कि इसमें जो है एंथर जो है वो पहले मेच्योर हो जाता था स्टिग्मा से लेकिन प्रोटोगाइनी में क्या हो रहा है कि इसमें जो स्टिग्मा पहले मेच्योर हो रही है किससे एंथर से मेल पार्ट से पहले मेच्योर हो जा रही है ठीक है तो इसके वजह से भी क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट हो जाता है ठीक है सेल्फ स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी तो इसमें क्या हो रहा है कि इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन क्या बोल रहा है कि ये सेल्फ स्टेरिलिटी जो है एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसके वजह से क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन जो है वो प्रिवेंट होता है ठीक है अब कैसमोगेमस फ्लावर फ्लावर में क्या होता है कि दीज आर ओपन फ्लावर्स विद फ्लावर क्या होता है ऐसा फ्लावर जिसके जिसमें क्या होता है स्टेमिन जो होता है वो एक्सपोज होता है मतलब बाहर रहता है एंड स्टिग्मा विच फेसिलेट क्रॉस पॉलिनेशन और स्टिग्मा जो है क्या करती है फेसिलेट करती है क्या क्रॉस पोलिनेशन ठीक है तो ये हो गया क्या इन सभी पॉइंट्स से जो है यूनिस एक्सुअलिटी डाइकोगी प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी सेल्फ स्टेरिलिटी और कैसमोग फ्लावर जो है इसके वजह से क्या होता है कि सेल्फ पोलिनेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है ठीक है एजेंट ऑफ़ पोलिनेशन एजेंट ऑफ पोलिनेशन का मतलब है कि मतलब किसके वजह से जो है वो क्या होता है पोलिनेशन होता है तो एजेंट ऑफ पोलिनेशन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है ए बायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि एजेंट क्या होता है एजेंट का मतलब क्या है यहाँ पे तो एजेंट का मतलब ये है कि ऐसा सोर्स जिसके वजह से क्या होता है कि पोलिन ग्रेन्स जो है पोलिन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा में जो है वो पहुंचता है ठीक है तो एजेंट जो होता है पोलिनेशन का वो दो टाइप्स का होता है ए बायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट अब ए बायोटिक एजेंट जो होता है वो भी टू टाइप्स में डिवाइड होता है विंड एंड वाटर ठीक है और बायोटिक एजेंट जो होता है वो होता है एनिमल्स अब ए बायोटिक और बायोटिक में डिफरेंस देखो ए बायोटिक का मतलब है कि जो लिविंग नहीं है ठीक है ऐसा थिंग ऐसा एजेंट जो लिविंग नहीं है जैसे कि विंड एंड वाटर ठीक है और बायोटिक एजेंट का मतलब है इसमें बायोटिक का मतलब है कि ऐसा लिविंग ऐसा ऐसा एजेंट जो कि क्या हो लिविंग हो ठीक है जैसे क्योंकि एनिमल्स एनिमल्स में रेप्टाइल्स मैमल्स इंसेक्ट्स बर्ड्स एक्सेट्रा ठीक है अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये जो है एजेंट्स कैसे हेल्प करती है पोलिनेशन में ओके एडेप्टन फॉर वाटर पोलिनेशन क्या बोलता है कि वाटर पोलिनेशन कैसे होता है उसमें एडेप्टन कैसे इसको क्या बोला जाता है हाइड्रोफिली ठीक है तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोफिली किसको बोला जाता है सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं तो द फॉर्म ऑफ पोलिनेशन इन विच पोलेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाई वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली इसमें हाइड्रो का मतलब क्या है वाटर तो ऐसा फॉर्म ऑफ पोलिनेशन जो क्या होता है वाटर के थ्रू क्या होता है पोलन ग्रेन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोफिली ठीक है अब इट इज़ वेरी कॉमन इन अलगी ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स क्या होता है हाइड्रोफिली जो है ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है किसमें अलगी में ब्रायोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ठीक है वेलेंसनेरिया well well और हाइड्रीला जो होता है ये आर सम मोस्ट फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स इन विच हाइड्रोफिली इज ऑब्जर्व्ड ओके इन सी ग्रास फीमेल फ्लावर्स आर सबमर्ज इन वाटर टू रिसीव पोल ग्रेन्स फॉर पोलिनेशन इन साइड वाटर क्या बोल रहा है सी ग्रास में जो है वो फीमेल फ्लावर्स जो है वो सबमर्ज होती है वाटर में ताकि वो क्या कर सके पोल ग्रेन्स जो है पोलिनेशन के लिए जो है वो रिसीव कर सके इनसाइड वाटर ठीक है पोलेंस आर लॉन्ग नीडल लाइक एंड आर कैरिड पॉसिसिबली बाई वाटर पोलेंड क्या होता है लॉन्ग होता है पॉलन का स्ट्रक्चर कैसा है देखो पोलन जो है वो लॉन्ग है निडिल लाइक -like है और जो है आर कैरीड पॉसिसिबली बाई वाटर और वो जो है वाटर के द्वारा जो है वो कैरी किया जा रहा है जोस्टर जोस्टेरा इज अ मैरिन एनजियोस्पम इन विच हाइड्रोफिली इज ऑब्जर्व जोस्टेरा जो है वो क्या है एक मैरन एनजियोस्पम है जो कि है जो कि क्या होता है इन विच हाइड्रोफिली इज ऑब्जर्व हाइड्रोफिली जो है उसमें ऑब्जर्व किया जाता है तो ये जो है क्वेश्चन जो है वो एम में पूछा जा सकता है कि जो मैरीन एंजियोस्पम्स का नाम बताओ जिसमें हाइड्रोफिली जो है वो पाया जाता है तो वो क्या है जोस्टेरा और फ्रेश में जो फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट जो होते हैं हाइड्रोफिली जिसमें पाया जाता है वो है मेरा हाइड्रीला एंड वेलिसनेरिया ओके नाउ नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट ये देखेंगे कि विंड पोलिनेशन कैसे होता है तो ये डायग्राम है विंड पॉलिनेशन का और अब हम लोग देखेंगे कि विंड पॉलिनेशन के थ्रू जो है वो कैसे हम लोग जो है वो सेल पॉलिनेशन करा सकते हैं ठीक है सो द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच विंड डिस्ट्रीब्यूट द पोलन इज कॉल्ड एनिमोफिली मतलब क्या बोलता है कि ऐसा फॉर्म ऑफ पोलिनेशन जिसमें विंड जो है वो एजेंट के थ्रू एजेंट बनता है और वो क्या करता है पोलिन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको एनिमोफिली बोला जाता है ठीक है इसमें क्या होता है पोलिन ग्रेन्स जो है बहुत लाइट वेट के होते हैं नॉन स्टिकी होते हैं ड्राई और विंग्ड होते हैं मतलब इसमें जो है पोलिन ग्रेन्स का जो वेट होता है बहुत ज़्यादा लाइट होता है इसलिए वो क्या होता है हवा से जो है वो वो क्या होता है ट्रांसफ़र हो जाता है ठीक है वेल एक्सपोज स्टेम फॉर ईजी डिस्पर्सल ऑफ पोलिन ग्रेन्स इन द विंड द इस्टिगमा स्टिगमा जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है लार्ज और फिदरी होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पोल ग्रेंस को जो है वो ट्रैप करती है और पोल ग्रेंस uh, को जो है वो ट्रैप करती है ठीक है न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक टूगेदर टू फॉर्म इन्फ्लोरसेंस और क्या बोलते हैं बहुत सारे फ्लावर्स जो है मिलकर क्या करते हैं इन्फ्लोरेंस करते हैं इसको ठीक है ये जो है डायग्राम हो गया किसका विंड पोलिनेशन का ठीक है अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इंसेक्ट तो इंसेक्ट पोलिनेशन कैसे होता है तो इंसेक्ट पोलिनेशन का जो है इंटेमोफीली बोला जाता है इन इंटीमोफिली बोला जाता है तो द फॉर्म ऑफ पोलिनेशन इन विच इंसेक्ट डिस्ट्रीब्यूट पॉलिन्स इज कॉल्ड इंटीमोफिली क्या बोलता है कि ऐसा फॉर्म ऑफ पोलिनेशन जिसमें इंसेक्ट जो है एजेंट की तरह काम करता है और वो क्या करता है पोलिनस को ट्रांस डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर ट्रांसफर करता है इसको हम लोग इंटीमोफिली बोलते हैं ठीक है फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं स्टिकी और ब्राइटली कलर्ड के होते हैं ठीक है जो मतलब इंसेक्ट जो है वो उन्हीं फ्लावर्स में जा बैठते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के होते हैं लाइट कलर के होते हैं ठीक है ठीके? और वो क्या करते हैं उसको पोलन ग्रेन्स को जो है वो लेते हैं अपने उसमें चिपक जाता है पंख में और उसके बाद जो है वो ट्रांसफर करते हैं किसमें दूसरे फ्लावर में ठीक है दे हैव हनी एंड नेक्टर ग्लैंड विच आर हाईली फ्रेगरेंट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट क्या बोलता है कि फ्लावर्स में जो है वो हनी या, या और नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं इंसेक्ट्स uh, को जो है वो अपने साइड अट्रैक्ट करते हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेन सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है और फ्लावर जो है वो कभी कभी क्या होता है कि फॉल ऑर्डर भी सेक्रेट करता है जिसकी वजह से क्या होता है फ्लाइज और बेटल्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है अपने साइड में ठीक है अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ठीक है सब स्पीसीज जैसे कि फ्लोरल रिवार्ड प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स ठीक है एग्जाम्पल हो गया एमरफो फेलस ठीक है अब हम लोग देखेंगे कि पोलन पिस्टल का जो है इंटरेक्शन कैसे होता है तो जितना भी ऑल द इवेंट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब्स इन टू ओव्यूल आर टूगेदर कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ठीक है इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग ये क्या है कि डायनेमिक प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है पोलन रिकोगनाइजेशन बाई स्टिग्मा और पिस्टल बाई फोर कंपेटिबल पोलन ठीक है तो क्या बोलते हैं पोलन ट्यूब जो होता है वो ग्रो करता है थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल टू रीच द ओवेरी ठीक है और इसमें क्या होता है कि देन इंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोफाइल एंड रीच द्रिट्स गाइड बाई फिल फिली फॉर्म ठीक है तो ये एग्जाम ये जो हो गया डायग्राम हो गया इसका ठीक है अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे होता है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है ये बहुत ज़्यादा अब आजकल यूज़ किया जाता है और इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स जो है प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस के थ्रू जो है डिज़ायर्ड कैरेक्टर जो है वो प्लांट्स को जो है हम लोग दे सकते हैं ठीक है सो so, एंथर्स सबसे पहले क्या होता है कि इसमें एंथर जो है रिमूव किया जाता है बायसेक्सुअल फ्लावर से बाय द यूज बाई यूजिंग फोरसेप्स ठीक है और उसके बाद जो है दिस इज इमाकुलेशन एंड इज़ डन बिफोर द एंथर डिहाइस और ये जो है किया जाता है जब तक जो एंथर है वो डिहाइज़ ना हो जाए ठीक है तो इसमें क्या बोलता है द इमास्टुलेटेड फ्लावर इज़ कवर्ड विथ अ पेपर बैग टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन फ्रॉम द अनवांटेड पॉलन और दिस इज कॉल्ड बैगिंग और क्या बोलता है कि जो इमास्टिकुलेटेड फ्लावर होता है उसको पेपर बैग से कवर किया जाता है ताकि उसमें जो है कॉन्टामिनेशन ना आए ठीक है इसमें या फिर अनवांटेड अनवान्टलेंस जो है वो उसमें ना आए ठीक है उसके बाद क्या बोलता है कि ऑन ऑन अटेनिंग मेच्योरिटी मेच्योर पॉलन्स फ्रॉम डिजायरेबल प्लांट्स आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा ऑफ अ बैग्ड फ्लावर एंड रिबैग्ड फॉर फ्रूट डेवलपमेंट और क्या बोलता है कि उसके बाद जो है जब पॉलन्स जो है वो मेच्योर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो है uh, इसको स्टिग्मा में जो है वो डस्ट कर दिया जाता है उसके वजह और फिर जो है उसको रिबैग कर दिया जाता है जब तक उसमें फ्रूट का डेवलपमेंट ना हो जाए ठीक है अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होता है ठीक है तो डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूज़न जो है वो कैसे होता है तो ऑन रीचिंग सिग्रिड पोलन ट्यूब्स रिलीज द टू मेल गैमेंट्स इंटू साइटोप्लाजम ऑफ सिनीग्रिड क्या बोलता है कि सैनिग्रेड में पहुँचने के बाद जो है पोलन ट्यूब जो है वो रिलीज करता है दो मेल गैम दो मेल गैमेट रिलीज करता है साइटोप्लाज्म में ठीक है उसके बाद क्या बोलता है कि जो उसमें से क्या होता है एक मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज कर जाती है एक के न्यूक्लियस के साथ में और वो जो है डिप्लॉइड सेल या फिर जाइगोड का फॉर्मेशन होता है करती है ठीक है दिस इज कॉल्ड सिन्गैमी इसको क्या बोला जाता है सिन्गैमी ठीक है अदर मेल गैमेट फ्यूज द पोलर न्यूक्लिया एट द सेंटर टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस ठीक है दिस इज टॉम डेस्ट ट्रिपल फ्यूजन इसको ट्रिपल फ्यूज़न बोला जाता है जाइगोड लेटर डेवलप्स इन एन इम्ब्रियो जयगोड जो है बाद में जो है इम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है ठीक है तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टू तो नेवर मिस एन अपडेट थैंक यू